Dear students, good morning. Now it's time for yoga class. Yoga is the best medicine for life. Okay? Yes, be ready for yoga class. Now, Sthi sir, Shastri sir will tell you the steps of yoga. So listen it carefully and try to follow. Okay? सुप्रभात प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज से आप विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा आप बहुत सारे क्रियाओं को सीखेंगे, लेकिन उन सब क्रियाओं को करने से पहले हम सब परमपिता परमात्मा की आराधना एक मंत्र के माध्यम से करेंगे, जिसको आप याद करेंगे एवं भविष्य में अपने जीवन में धारण भी करेंगे। अतः मैं आपके सामने एक मंत्र बोलने जा रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे और अपने कार्य को प्रारंभ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद् भद्रम तन्न आसुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति कर्ता, समग्र ऐश्वर्यों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक गुण कर्म पदार्थ हैं उन सबको हमको प्राप्त कराइए। ओम शांति शांति शांति। मंत्र पाठ के पश्चात प्यारे बच्चों, हम सब अग्रसर होते हैं शारीरिक व्यायामों की ओर, जिसमें प्रथम सत्र है योगा। योगा क्या है? योगा एक ऐसा व्यायाम है जो हमें शारीरिक रूप से भी सबल, बलिष्ठ एवं तंदुरुस्त बनाता है। उसी के साथ साथ हमारे अंदर आध्यात्मिक विकास भी करता है। इसको प्रारंभ करने से पहले हम सब सूर्य नमस्कार से इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे, जिसको हम 12 की संख्या में पूर्ण करेंगे। आप सब ध्यान पूर्वक देखेंगे और मेरे साथ संख्या के अनुसार मिलकर के इस सूर्य नमस्कार की विधि को ध्यान पूर्वक करेंगे और पूर्ण रूप से शारीरिक व आध्यात्मिक लाभ का अपने अंदर संचार करेंगे। सर्वप्रथम सूर्य नमस्कार को करने के लिए हम अपने स्थान पर हाथ जोड़ करके इस मुद्रा में सावधान होकर के खड़े हो जाएंगे। ये प्रथम संख्या इस सूर्य नमस्कार की रहेगी। एक, दो, तीन, दोनों हाथों को अपने पैरों के साथ टिकाएंगे। तत्पश्चात चार, अपने बाएं पैर को पीछे की ओर लेकर के जाएंगे और दाहिने पैर को अपने दोनों हाथों के बीच में रखेंगे। पांच, पांचवी संख्या पर आप दोनों पैरों को सीधे पीछे लेकर के जाएंगे, आपकी एड़ी और पैरों की उंगलियां जमीन पर टच हो जानी चाहिए। छह की संख्या में आप आगे की ओर चलेंगे और अपनी चेस्ट को पृथ्वी पर लगाएंगे तथा अपने पूरे वेट को अपनी बाजुओं से संभालेंगे। सात, अपनी
जंघाओं को जमीन से हल्के से टच करते हुए अपनी कमर को मोड़ते हुए ऊपर की ओर आसमान की ओर देखेंगे और साथ पश्चात वापस वहीं पर आएंगे और पुनः वापस जाएंगे। आठ, नौ, जिस प्रकार से आप पहले बाएं पैर को पीछे लेकर के गए थे, आपको वापस उसी प्रकार से अपने पैर को आगे लेकर के आना है। दस, दोनों पैरों पर इस मुद्रा में दोनों हाथों को पृथ्वी पर अकेले टिका करके रखेंगे और अपने मस्तिष्क को घुटनों पर लगाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद दोनों हाथों को ऊपर की ओर ताड़ासन की मुद्रा में लेकर के जाएंगे। ग्यारह, इस प्रकार से हमने इस सूर्य नमस्कार को 12 की संख्या में पूर्ण किया। इस आसन को सभी आसनों में पूर्ण आसन की संज्ञा दी गई है। यदि संभव हो सके तो प्रातः काल सूर्य के सामने खड़े होकर के इस सूर्य नमस्कार की विधि को किया जाए। इस आसन को करने से हाथ, पैर, जंघा, घुटने आदि की मांसपेशियों को शक्ति प्राप्त होती है। रीढ़ की हड्डी का लचीलापन प्राप्त होता है तथा खून के अंदर आई किसी भी प्रकार की विकृति को दूर करने का सामर्थ्य इस सूर्य नमस्कार की विधि के अंदर निहित है। इसलिए हम नित्य प्रति इस सूर्य नमस्कार की क्रिया को अपने जीवन में धारण करें और शारीरिक व आध्यात्मिक लाभ उठाएं। ओम। प्रिय बच्चों, अभी आपको शास्त्री सर ने योगा क्लास में योगा के बहुत ही अच्छे स्टेप्स बताए और बहुत ही सुंदर तरीके से बताए। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। जो स्टेप्स इसमें से आप कर सकते हो उसकी आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। योगा हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। थैंक यू सो मच शास्त्री सर, थैंक यू सो मच।